उसके बाद में मेरे जीवन में ऐसे कई चीजें आई लेकिन कोई डिप्रेशन नहीं आया, क्योंकि डिप्रेशन को किस ढंग से हैंडल करना है तब तक मैं बहुत एक्सपर्ट बन गया उसमें। यानी मैंने 3 मेजर डिप्रेशन की, यानी मेरे जीवन के प्रधान डिप्रेशन की बातें आपके सामने रखी। पहले टाइम में मुझे कुछ समझता नहीं था, उसके बाहर आने के लिए बहुत मेहनत लगी। अनायसे मैं जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से जुड़ गया, बहुत काम करने लग गया, बहुत मेहनत करने लग गया, सार्वजनिक काम करने लग गया, उसके बाहर आना आसान हुआ। दूसरी बार मैंने खुद ही एक बहुत बड़ी मूवमेंट खड़ी कर दी और बहुत ताकत से काम करने लग गया, इसलिए उससे बाहर आना बहुत आसान हुआ। तीसरी बार मैंने अपने आप को बहुत अच्छे ढंग से ट्रीट किया, क्योंकि तब तक मैं इस विषय के बारे में गहराई से जानने लग गया था, और उसके बाद में कोई डिप्रेशन नहीं आया। यानी ये पहले 3 बार मेरे जीवन में डिप्रेशन आने के जो कॉजेस हुए उससे भी बड़े बड़े कॉजेस मेरे जीवन में हुए जो निगेटिव थे, लेकिन उसके कोई परिणाम मुझ पर नहीं हुए। इस ढंग से मैं अपने आप को आगे ढाल पाया। ये सब बातें मैं आपके सामने विस्तार से क्यों कर रहा हूं? मैंने पहले स्टेटमेंट किया कि हर व्यक्ति के जीवन में डिप्रेशन आता है, तो क्या हर व्यक्ति के जीवन में डिप्रेशन आना आवश्यक है? बिल्कुल आवश्यक नहीं है। अगर आपका व्यक्तित्व आपने इस ढंग से ढाला है, इस ढंग से बनाया है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा भी हो तो भी आप उसको सहजता से स्वीकार सकते हो, आपके जीवन में बुरी सी बुरी चीज हो उसका भी आपके मन पर कोई परिणाम नहीं होता है, इस ढंग से आप अपने आप को तटस्थ रख सकते हैं, इसको फ्लेगमेटिक पर्सनैलिटी कहते हैं। ये योगिक क्वालिटी का एक हिस्सा है। इस ढंग से अगर अपने आप को आप ढालते हो, आपका व्यक्तित्व इस ढंग से बनता है, तो कोई भी डिप्रेशन आपके जीवन को प्रभावित नहीं कर पाएगा, यानी डिप्रेशन आएगा ही नहीं। हाँ, आपके आपके जीवन में कुछ बुरी घटनाएं घटेगी कि नहीं घटेगी, ऐसा कोई व्यक्ति इस दुनिया में नहीं कि जिसके जीवन में कोई निगेटिव घटना घटेगी नहीं, बुरी घटना घटेगी नहीं, उसके जीवन में असफलता आएगी नहीं, ये तो संभव नहीं है। हमारे जीवन का हिस्सा है, कुछ बुरी घटनाएं घटने वाली है, कुछ निगेटिव घटनाएं घटने वाली है, कुछ असफलताएं जीवन में आने वाली है, उनको आसानी से हम स्वीकार सके, इस ढंग से अगर हमारा व्यक्तित्व ढालते हैं तो फिर हमको डिप्रेशन के कोई परिणाम ही भुगतने नहीं पड़ते हैं। ये मैं बहुत ही ताकत से कह सकता हूं, क्योंकि गए 20 सालों से विदाउट डिप्रेशन कई प्रभाव के क्षण आए, कई निगेटिव क्षण आए, क्या क्या हुआ, लेकिन मैं टस से मस नहीं हुआ। ये तो मेरा खुद का अनुभव है, लेकिन मैंने ऐसे व्यक्तित्व कई देखे हैं इसलिए मैं जानता हूं, वो मेरे अभ्यास का भी विषय है। तो पहला है कि हमारा व्यक्तित्व उस ढंग से हमने बनाते जाना चाहिए, उस दिशा में प्रवास करना चाहिए। लेकिन अभी क्या करें, डिप्रेशन है तो, डिप्रेशन है तो तुरंत अपने आप को एक्टिव बनाइए। जो काम आपको महत्व का लगता है उसमें अपने आप को झोंक दीजिए। आप केवल एक्टिव बनने के कारण ही आपका डिप्रेशन निकलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। फिर जो लगातार हमारे मन ही मन में नकारात्मक विचार आते हैं, डिप्रेशन के साथ में नकारात्मक विचार आते रहते हैं, जिस कारण डिप्रेशन हमको आया है वो बार बार याद आता है, उस वक्त अपने आप से सेल्फ टॉक कीजिए और हमेशा पॉजिटिव सजेशन दीजिए। भाई मेरे रोने से कुछ होने वाला है क्या, मेरे डिप्रेस होने से कुछ होने वाला है क्या, ठीक है जो होना था जिंदगी में हो गया है, रात दिन रोकर तो कोई फायदा नहीं है, उससे तो कुछ होने वाला नहीं है, तो मैंने उसके बाहर आने की कोशिश करनी चाहिए, उसके लिए मैंने लड़ाई करनी चाहिए, उसके लिए मैंने इस ढंग के एक्शंस लेने चाहिए। ये बार बार अपने आप को समझाओ, बार बार अपने आप को सेल्फ टॉक के जरिए समझाओ, ये दूसरी स्टेज है। और फिर तीसरी स्टेज है अपने आप को प्रोग्राम करना। अगर आप सम्मोहन प्रक्रिया को और सजेशन के मेथड्स को जानते हो, ये बहुत अच्छे ढंग से वर्कशॉप में सिखाया जाता है, तो फिर तो आपको डिप्रेशन से बाहर आने के लिए बहुत अच्छी मदद मिलती है। अपने आप को प्रोग्राम कीजिए, पॉजिटिव सजेशन दीजिए और फिर आप स्पीडीली डिप्रेशन के बाहर आओगे। मेरा जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप है, जिसको हम कहते हैं स्व सम्मोहन व्यक्तित्व कार्यशाला, व्यक्तित्व विकास कार्यशाला अभ्यासक्रम ए, इसको मैं हमेशा एंटी डिप्रेसेंट वर्कशॉप कहते आया हूं। ये इजीली इंसान को डिप्रेशन के बाहर निकालने के लिए मदद करती है।
एक तरफ तो सम्मोहन की प्रोसेस मिलती है, उसमें पॉजिटिव सजेशन कैसे देना ये भी सिखाया जाता है, और दूसरी तरफ जीवन की तरफ देखने के पॉजिटिव एटीट्यूड्स कैसे चाहिए ये भी इस कार्यशाला में, इस वर्कशॉप में बहुत विस्तार से आपके सामने रखा जाता है। इसलिए विचार करने का तरीका ही बदल सकता है, और हमारा अगर विचार करने का तरीका बदल जाए, हमें डिप्रेशन क्यों आए इसका रीज़न भी समझ में आ जाए और उसके उपाय भी मिल जाए, तो फिर हम बड़ी ताकत से डिप्रेशन के बाहर आ सकते हैं। ये सब जो डिप्रेशन की बातें मैं कर रहा हूं, ये साइकोलॉजिकल डिप्रेशन की मैं बातें कर रहा हूं। अगर कोई साइकोलॉजिकल डिप्रेशन आपके जीवन में बहुत लंबे समय तक चलता है तो उसका रूपांतरण डिप्रेसिव साइकोसिस में हो जाता है। एक बार अगर इसका रूपांतरण डिप्रेसिव साइकोसिस में हो गया तो आपके ब्रेन में कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, तो फिर उसको साइकोलॉजिकली केवल हैंडल करना संभव नहीं होता है, उसके लिए साइकेट्रिस्ट की दवाइयों की ही मदद लेनी पड़ती है। एक तरफ साइकेट्रिस्ट की दवाइयों की मदद और दूसरे तरफ साइकोलॉजिकल अपने आप को हैंडल करना, ये दोनों का उपयोग कर कर उसमें से आप छुट्टी पा सकते हो, लेकिन वो फिर बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती है। केवल डिप्रेशन आपके जीवन में है और वो लंबे समय तक चल रहा है इस कारण ही डिप्रेसिव साइकोसिस निर्माण होता है, ऐसा नहीं है। कई बार हमारे ब्रेन में ही उस ढंग की यंत्रणा होती है, चाहे हेरिडिटरी आई हो या और किसी कारणवश, तो फिर भी हमको डिप्रेसिव साइकोसिस हो सकता है, तो उस वक्त साइकेट्रिस्ट की दवाइयों की आवश्यकता होती है। लेकिन ये कुछ लोगों के बारे में होता है, मैक्सिमम लोगों के जीवन में साइकोलॉजिकल डिप्रेशन आता है और उसको इस ढंग से हैंडल किया जा सकता है।